हेल्थ के लाइव फोनिंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है फाइलेरिया से बचाव एवं प्रबंधन, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर विंदु प्रकाश सिंह जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं मिशन हेल्थ में। दर्शकों, फाइलेरिया जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम हाथी पांव या फील पांव कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जो प्रदेश के कुछ इलाकों में आमतौर पर देखने को मिलती है। फाइलेरिया की वजह से शरीर के किसी भी अंग में सूजन आ सकती है, तो इससे किस तरह से बचा जाए, किस तरह से इसका प्रबंधन किया जाए, इसी विषय पर आज हम डॉक्टर साहब से विस्तार से जानकारी लेंगे। तो आपके भी अगर कोई प्रश्न है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-228-698, 0522-407-6802। और इसके साथ ही हम दर्शकों आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इसके होने के कारण क्या है। फाइलेरिया को आम भाषा में लोग हाथी पांव के नाम से ही अधिकतर जानते हैं, लेकिन ये कई प्रकार का होता है। इसके दो जो मुख्य प्रकार होते हैं, एक में तो कोई लक्षण ना होते हुए भी व्यक्ति में इसके कीटाणु होते हैं और वो रोग से ग्रसित होता है। यह अधिक खतरनाक है क्योंकि इसमें धीरे धीरे उसमें कार्य करने की क्षमता घटती जाती है, उसका स्टेमिना घट जाता है, और स्पेशली अगर बच्चों में होता है तो धीरे धीरे वो खेल कूद में रुचि नहीं लेते हैं, और आगे चल करके उनको सेना या अन्य यदि किसी प्रकार की नौकरी में जाना होता है तो उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। और दूसरा होता है जिसमें हमें लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हाथ में सूजन या पैर में सूजन, इसकी वजह से स्तन में सूजन या अंडकोशों में या जननांगों में भी सूजन आ जाती है, और वो काफी समय बाद होता है जब कोई व्यक्ति मादा मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने के उपरांत जब वो इस परजीवी से ग्रसित हो जाता है जिसको हम विचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई कहते हैं, तब उसमें ये काफी समय के बाद लक्षण उत्पन्न होते हैं। और ये मच्छर के काटने के बाद लगभग 8 महीने से लेकर के 16 महीने का अंतराल बीच में हो सकता है, और हो सकता है उससे भी ज्यादा समय बाद इसके लक्षण उत्पन्न हो। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी ने हमें कॉल किया है। हेलो हेलो नंदस्वरूप जी, हेलो। नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो ये फाइलेरिया की बीमारी है जिसे पील पाओ या हमें हाथी पाओ कहते हैं, तो ये छुआछूत की बीमारी है कि ये पारिवारिक बीमारी है, जन्मजात बीमारी किसी को हो गया फिर आगे उसी के परिवार में होना है? जी जी, ना तो ये छुआछूत की बीमारी है ना ये जन्मजात होती है, यह मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है, और यह मच्छर हमारे घरों के आसपास जो गंदा पानी इकट्ठा होता है उसमें पनपते हैं। तो इसका सबसे आसान बचने का तरीका यह है कि हम अपने घर के आसपास कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, जिससे कि इस मच्छर को पनपने का मौका नहीं मिलेगा और ये बीमारी नहीं फैलेगी। दर्शकों, आइए देखते हैं फाइलेरिया से बचाव एवं प्रबंधन पर ये डाकू ड्रामा। नमस्ते काका। नमस्ते, प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। बैठो आशा बिटिया, बैठो। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे द्वारे आए। काकी बताई थी कि भैया का जी ठीक नहीं है, सो डॉक्टर साहब जा रहे थे दौरे पर, तो हमने डॉक्टर साहब से कहा कि चौथी काका के भैया को देख ले, सो डॉक्टर साहब ने कृपा की। अरे इसमें कृपा की क्या बात है, ये तो हमारा काम है। बेटे को क्या तकलीफ है? कहा बताएं डॉक्टर साहब, हंसता खेलता बच्चा ना जाने क्यों कई दिन से गुमसुम पड़ा हुआ है, अपने कमरे में बिस्तर पर चद्दर ओढ़े पड़ा रहता है, किसी से कुछ नहीं बोलता ना कुछ कहता है, हमसे अपनी माई से भी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। हाँ डॉक्टर साहब आइए। अरे नहीं, आप बैठिए, हम लोग देख के आते हैं। आप बैठिए। अच्छा, तो ये है चौथी का घर। ओम ह्रीम क्लीम चा चा चा। इस पूरे घर में चारों तरफ भूतों का डेरा है।
लेकिन अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, हम आ गए हैं। ओम भीम क्लीम ये है तिरकाल दर्शी सिद्ध औघड़ बाबा और ये है चौथी भैया। अरे भौजी कहीं ना ना कि भैया के ऊपर भूत प्रेत चढ़ गवा है, सो हम बाबा को बुलाए ला। कितना भूत प्रेत पाले हो चौथी, अब हम आ गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, सब ठीक करेंगे। बचवा को बुलाओ। भैया को तो डॉक्टर साहब देख रहे हैं अभी। डॉक्टर डॉक्टर हकीम वैद्य क्या करेगा रे, बचवा को तो ठीक करेंगे हम। बाबा हम सिनेमा में देखा है ओझा बाबा लोग आदमी की खोपड़ी की माला पहनते हैं, मुला आप तो सब्जी की माला पहने हो। बखत बच्चा बखत, आदमी की खोपड़ी अब मिलवे नहीं करती। काहे कलयुग बच्चा कलयुग, एक तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लोग मरवे नहीं करते और दूसरा मरने के बाद लोग अस्पतालों को देह दान कर देते हैं, कहते हैं कि अंग दूसरों के काम आएंगे, डॉक्टर लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं बताते कि मरे बिना और जले बिना और आत्मा मुक्त कैसे होगी। सत्य वचन बाबा। काहे का सत्य वचन, अरे ये तो ढोंगी बाबा है। भस्म कर दूंगा टैया टिकोर डिप्टी मोर सनन सुगाड़े काम बिगाड़े, भस्म कर दूंगा। करके दिखा। अरे अरे ये क्या कर रही हो आशा बहन, अरे बाबा नाराज हो जाएंगे। नाराज नहीं तो सब, अरे ये गंजेड़ी भोंगेड़ी दारूबाज बुधैया है, ये सब ड्रामा करके गांजा भांग का जुगाड़ करता है। चल भाग यहां से। आप लोग इन जैसे ढोंगियों के चक्कर में ना फंसे। बीमारी हो तो उसका सही समय पर सही इलाज करें। डॉक्टर साहब क्या हुआ है हमारे भैया को? लगता है उसे फाइलेरिया हो गया। हाथी पांव यानी कि फील पांव, भैया का पैर सूज रहा था इसीलिए मारे शर्म की चादर ओढ़े पड़ा रहता था। खून की जांच के बाद ही पक्का पता लगेगा, लेकिन लक्षण तो फाइलेरिया या हाथी पांव के ही लगते हैं। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगी ना हमारे भैया? परेशान मत हो, डॉक्टर साहब देख लिए हैं, कल हम खून की जांच करवा देंगे, डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखकर इलाज कर देंगे। इलाज तो हो जाएगा लेकिन उससे जरूरी है बीमारी से बचाव। देखिए फाइलेरिया या हाथी पांव से बचाव बहुत जरूरी है, फाइलेरिया फैलता है मच्छरों से। सबसे जरूरी बात है कि अपने आसपास मच्छर पैदा ही ना होने दें। मच्छर से बचाव के लिए रात में ठंडे कमरे में सोएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें और दिन में पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े पहने, मच्छर को भगाने वाली क्रीम आदि का उपयोग करें, है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही। और शरीर में कहीं भी पैर में स्तन में जननांगों पर बाहों में असामान्य सूजन होने पर, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ने पर या फिर खाल के रंग में बदलाव होने पर डॉक्टर को फौरन दिखलाएं। इसमें शर्म करना खतरनाक हो सकता है। अरे ओ बनवारी, यहाँ डॉक्टर साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और तुम मोबाइल पर लगे हुए हो, बंद करो मोबाइल। फाइलेरिया या हाथी पांव के लक्षण दिखते ही डॉक्टर को फौरन दिखाएं और डॉक्टर जो दवा बताए उसे डॉक्टर जैसा बताए वैसा ही खाएं। इसमें लापरवाही या दवाई को बीच में ही छोड़ देना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसी भी दवा है जिसको खाने से हाथी पांव जैसी बीमारी कभी हो ही ना? है क्यों नहीं, सरकार द्वारा अभियान चलाकर सारे स्वस्थ लोगों को साल में एक बार दवाई खिलाई जाती है जिससे हाथी पांव होने का खतरा नहीं रह जाता है। साल में एक बार? हाँ, साल में केवल एक बार दवाई खा लेने से ही फाइलेरिया होने के खतरे को समाप्त किया जा सकता है। यदि सभी लोग
साल में एक बार इस दवाई को खा लें तो फाइलेरिया या हाथी पांव को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आशा बहनी यू बताओ, हाथी पांव की बीमारी किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है? हमसे क्या पूछ रहे हो, डॉक्टर साहब से पूछो। जी हाँ, कभी भी और किसी को भी हो सकती है। बच्चों में तो ये और भी खतरनाक हो जाती है क्योंकि इससे उनमें कमजोरी आ जाती है और रोगों से लड़ने की ताकत कम रह जाती है। अच्छा अब चलें। डॉक्टर साहब जरूरी बात एक बार इन लोगों को फिर से बता दीजिए, वरना ये लोग तो भूत प्रेत टोना टोटका के चक्कर में फिर से पड़ जाएंगे। ठीक है, फाइलेरिया या हाथी पांव से बचाव के लिए फाइलेरिया अभियान के दौरान दी जाने वाली दवा सभी लोगों को, स्वस्थ व्यक्तियों को भी खाना जरूरी है। 2 वर्ष की उम्र से बड़े सभी बच्चों को ये दवा जरूर खिलाएं क्योंकि बच्चों में फाइलेरिया के लक्षण देखे बिना ही उन्हें फाइलेरिया हो जाता है जिससे उनकी शारीरिक क्षमता घट जाती है। इसके कारण बच्चा भाग दौड़ और खेल कूद में कमजोर रह जाता है और बड़े होने पर सेना पुलिस आदि की नौकरियों के योग्य नहीं रह जाता है। फाइलेरिया या हाथी पांव के लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, शर्माना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर साहब आपको ये डॉक्टर ड्रामा कैसा लगा, इसके बारे में आपके विचार हम लेंगे। हमारे एक दर्शक बाराबंकी से जुड़े हैं, राकेश जी। हेलो। हेलो, हाँ राकेश जी स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। हेलो मैम नमस्कार जी। हेलो, हाँ राकेश जी पूछिए। मैम मेरे ये सवाल है कि फाइलेरिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? डॉक्टर साहब ये लक्षण एक बार फिर से जानना चाहते हैं। देखिए फाइलेरिया का मैंने आज जैसे बताया दो प्रकार का होता है, एक में तो कोई लक्षण नहीं होते हैं लेकिन अगर परजीवी शरीर में है तो आपके शरीर को कमजोर करता है और आपके स्टेमिना और क्षमताओं को घटाता है, और दूसरा जिसमें लक्षण उत्पन्न होते हैं उसमें पैर में असामान्य सूजन, हाथ में सूजन, स्तन में या जननांग में सूजन हो सकती है जिस कारण हो सकता है। इसका एक और लक्षण ऐसा है जो अधिकांशता लोगों के नजर में नहीं आता, पेशाब में सफेद स्त्राव होना। यदि किसी प्रकार से किसी के पेशाब में सफेद रंग का कोई स्त्राव हो रहा है तो उसे लोग अक्सर धातु से संबंधित मानते हैं, जबकि ये फाइलेरिया के कारण हो सकता है और यदि इसका समय से इलाज किया जाए तो पूरी तरह से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ रहता है। राकेश जी प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत फोन मिलाइए। फिलहाल लेते हैं मिशन हेल्थ में हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज हमने जो विषय लिया है वो विषय है फाइलेरिया से बचाव एवं प्रबंधन, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर विंदु प्रकाश सिंह जी। डॉक्टर साहब आपने डॉक्टर ड्रामा देखा, हम चाहेंगे कि उसके बारे में आप अपने विचार प्रकट करें और साथ ही ये भी बताएं कि व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर इस बीमारी को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ड्रामा के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि शायद बहुत ही सरल तरीके से वो सारी चीजें कह दी गई जो जनता को जानना जरूरी थी, ये बहुत ही बढ़िया प्रस्तुतिकरण था। और दूसरी समुदाय से जो सहयोग चाहिए जिससे कि हम इस बीमारी का अंत कर सकें, कि जब भी एमडीए का कार्यक्रम होता है तो हमारी आशा बहन जी या एएनएम घर घर जाकर के फाइलेरिया से बचाव की दवा देती हैं, लेकिन काफी बार देखा गया कि लोग उस दवा को ले तो लेते हैं लेकिन उसका सेवन नहीं करते हैं। अब डाकू ड्रामा में आप देख चुके हैं और मैंने भी आपको बताया कि कई बार बिना लक्षण के भी ये किस तरह से हमारे शरीर को कमजोर कर देता है, तो ये बीमारी जानलेवा ना होते हुए भी हमारे शरीर को बहुत तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। अतः जब भी, और साल में ये एक बार चलाया जाता है, तो जब भी एमडीए का कार्यक्रम हो तो आप सबसे अनुरोध है कि इस दवा का सेवन अवश्य करें और अपने आसपास वालों को भी समझाएं और कराएं। दूसरा समुदाय के स्तर पे हम चाहेंगे कि आप अपने घर के आसपास स्वच्छता रखें, कहीं भी पानी ना इकट्ठा होने दें क्योंकि जहां भी गंदा पानी इकट्ठा होता है इस रोग का जो वाहक है क्यूलेक्स मच्छर, जो इसके परजीवी एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाता है, उसको पनपने का मौका मिलता है और उसकी जनसंख्या बढ़ती है। यदि उस वेक्टर को पनपने का मौका ना दिया जाए, यदि हमारे घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा हो, तो हम इस बीमारी से आसानी से मुक्त हो सकते हैं। डॉक्टर साहब आगरा से एक कॉलर हमें फोन कर रहे हैं। हेलो। हेलो मैडम, मेरा नाम जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, आप अपना नाम बताइए। हेलो, सत्यम जी का फोन है आगरा से हमें कॉल कर रहे हैं। हेलो सत्यम जी। हेलो
फोन डॉक्टर साहब अभी नहीं लग पा रहा है। तो सर जैसे आपने बताया कि इसकी गोली खानी चाहिए, तो साल में अगर एक बार इसकी गोली ले ली जाए तो क्या ये बात सही है कि पूरे साल बीमारी नहीं होती? जी, क्योंकि इसकी जो खुराक दी जाती है वो इतनी प्रभावी है कि ये खून में इसके जो परजीवी होते हैं उसको लगभग पूरी तरह से समाप्त कर देती है। और यदि 2-3 चक्र भी पूरी तरह से किसी ने इसका इलाज किया है तो भविष्य में कभी भी उसको हाथी पाओ या फाइलेरिया के जो अन्य लक्षण हैं ये उसमें नहीं होंगे और उस रोग से बचा रहेगा। डॉक्टर साहब, जैसे होता है कि ये कुछ खास इलाकों में ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है, तो क्या ये इसकी क्या वजह है और कोई मौसम भी इसके लिए जिम्मेदार है कि इस मौसम में ये बीमारी ज्यादा होगी? देखिए, चूंकि अगर यदि हम प्रदेश की बात करें तो इसके ज्यादातर केसेस उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में बहुतायत में पाए जाते हैं और ये सभी क्षेत्र इस बीमारी के लिए एंडेमिक कहे गए हैं। और बरसात के सीजन में चूंकि मच्छरों का पनपना ज्यादा आसान होता है, पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, साफ सफाई न होने की वजह से वहां गंदे नाली का पानी भी इकट्ठा होता है तो उसमें इस मच्छर को पनपने का स्थान मिलता है। और यदि मच्छर पनपेगा तो इस परजीवी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाके स्वस्थ व्यक्तियों को भी बीमार कर सकता है। डॉक्टर साहब, शाहिदा जी का फोन है अलीगढ़ से। हेलो शाहिदा जी, हाँ, मिशन हेल्थ में स्वागत है आपका। आप जी, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि फाइलेरिया में खाने पीने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर वो ड्रामा में उसने पहले बताया कि आप पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, घर के अंदर ठंडे स्थान पे सोएं, मच्छरदानी के अंदर सोएं और घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। इससे तो मच्छर को पनपने का स्थान नहीं मिलेगा और हम उससे बचे रहेंगे। खान पान में आप पौष्टिक आहार लें जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे और आपकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी जिससे इस बीमारी से लड़ने में क्षमता बढ़ेगी और ये रोग से आप बचे रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया की वजह से अगर किसी अंग में कोई विरूपता आ जाती है, खराबी आ जाती है, तो क्या वो ठीक हो सकता है? इस बीमारी का बचाव ही इलाज है, क्योंकि होने के बाद इसमें काफी मशक्कत के बावजूद कई बार 100% सफलता नहीं मिलती है। फिर भी जो क्लिनिक्स, फाइलेरिया क्लिनिक्स अलग अलग हिस्सों में चल रही हैं, उसके काफी अच्छे नतीजे आए हैं और इवन हाइड्रोसिल के ऑपरेशन भी कैंप के मोड में किए जाते हैं, तो इससे मरीजों को काफी लाभ हुआ है। जी, तो ऐसा बच्चों में अगर को किस तरह से इससे बचाया जाए? देखिए, बच्चों में चूंकि इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो सबसे बेहतर ये होगा कि जो हमारा साल में एक बार कार्यक्रम होता है उनको इस दवा का सेवन अवश्य कराया जाए। ये आयु के हिसाब से इसकी डोज अलग अलग होती है, जो आशा बहन जी जब देती हैं तो वो आपको डोज के बारे में बताती हैं। तो इस दवा का सेवन बच्चों को अवश्य करवाएं ताकि वो उस बीमारी से बचे रहें। जी, मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में और आज का विषय आपको पता ही है, हमारा आज का विषय है फाइलेरिया से बचाव एवं प्रबंधन और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बिंदु प्रकाश सिंह जी। डॉक्टर साहब, ये बीमारी क्या पूरी तरह से क्योर है, ठीक हो सकती है? सामान्यतः इसमें शुरू में जो लक्षण होते हैं वो बुखार और बुखार के साथ इसमें जो लसिका ग्रंथियां होती हैं वो मटर के दाने के बराबर शरीर में होती हैं तो उसमें सूजन आ जाती है। तो उस यदि समय रहते इसका इलाज किया जाए तो पूरी तरह से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। लेकिन यदि इस प्रकार के अटैक उस व्यक्ति को बार बार होते हैं और सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता है तो फिर धीरे धीरे हाथी पांव या इसके जो अन्य लक्षण है उसमें तब्दील हो जाती है, फिर उसमें थोड़ा समय ठीक होने में इसमें समय लगता है। डॉक्टर साहब, बच्चों में और बड़ों में क्या कुछ लक्षण अलग अलग से होते हैं, कैसे पहचान की जाए? देखिए, बच्चों में अक्सर इसके लक्षण बहुत कम ही दिखाई देते हैं, जैसे हाथ पैर में असामान्य सूजन बताया, लेकिन ये बड़ों में अधिक होती है और काफी समय बाद होती है। जब इस रोग के कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उसके कई सालों के बाद हो सकता है हाथी पांव या हाथ में सूजन या जननांग में सूजन या हाइड्रोसिल आदि के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो बच्चों में अक्सर इस तरह नहीं होता है, लेकिन उनमें भूख न लगना या उनकी प्रतिरोधक क्षमता में कमी होनी, भाग दौड़ में बच्चा कमजोर होता जाता है, खेलने में उसकी रुचि नहीं होती है, इसके अलावा अन्य कोई लक्षण आपको उसमें नहीं दिखाई देंगे। अब इस पे हम फिर से आएंगे। फैजाबाद से राजा राम जी हमें कॉल कर रहे हैं। हेलो, हाँ, मिशन हेल्थ में स्वागत है राजा राम जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हम वही पूछ रहे हैं कि इसका कोई रिएक्शन है? जी हम ये पूछना चाहते हैं। हेलो, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम राजा राम जी बिल्कुल कम कर दीजिए, तभी आपका प्रश्न हम तक अच्छे तक पहुंच सकेगा। हाँ,
हाँ हेलो जी, हम ये पूछना चाहते हैं जब फाइलेरिया का कार्यक्रम चलता है फाइलेरिया का गोली दवा घर घर खिलाई जाती है? डॉक्टर साहब जब ये अभियान चलता है तो क्या गोलियां घर घर खिलाई जाती हैं? जी आशा या एनएम बहन जी घर घर जाकर के 2 साल से बड़े सभी लोगों को आयु के हिसाब से दवा देते हैं और ये सभी को दी जाती है। जी डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे बच्चों के बारे में कि किस तरह के उनके शुरू में आपने बताया कि लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, तो और क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए बच्चों में क्या होता है कि बिना लक्षण के, इसलिए कई बार घर वाले भी उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन उनके शरीर में जब क्षमता घटने लगती है धीरे धीरे और कमजोर हो जाते हैं तो भाग दौड़ में रुचि नहीं लेते हैं, अन्य खेल कूद में भी वो पिछड़ने लगते हैं और इसके कारण उनके शारीरिक विकास पर भी फर्क पड़ता है और जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो सेना या अन्य नौकरी के लिए भी उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि आपने डॉक्यू ड्रामा में भी इस चीज को देखा। तो हम चाहेंगे क्योंकि लक्षण नहीं होते हैं ऐसे में इसका बचाव ही इसका इलाज है, तो जब भी आशा बहन जी या एनएम दवा देने के लिए घर पर आए तो बच्चे और बड़े सभी इसका सेवन अवश्य करें। डॉक्टर साहब अगर बच्चे में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि वो बहुत स्वस्थ है खेल कूद नहीं रहा है तो क्या उस समय उसका, अक्सर ये होता है माँ बाप सोचते हैं कि पेट में कीड़े हैं या कोई और वजह समझते हैं, तो किस तरह से उस समय अगर उसका चेकअप कराया जाए तो किस तरह का चेकअप होता है उसका? इसका इलाज मुफ्त में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। आप जब वहां बच्चे को लेकर आते हैं तो चिकित्सक इसकी जांच करता है और यदि फाइलेरिया के लक्षण पाए जाते हैं या उसको शक होता है कि इसमें फाइलेरिया के लक्षण हो सकते हैं तो इसमें एक नाइट ब्लड सर्वे होता है जिसमें रात में 10 बजे से 2 बजे के बीच में बच्चे का खून का सैंपल लिया जाता है, क्योंकि इस बीमारी का जो परजीवी है ये सबसे ज्यादा खून में उसी समय उपलब्ध होता है, रात के समय 10 से 2 बजे के बीच में, इसलिए इसकी जांच भी रात में ही की जाती है। इसकी जो स्लाइड बनाई जाती है उससे ये पूरी तरह से निश्चित हो सकता है कि बच्चा फाइलेरिया ग्रस्त है, तो उसके बाद इसका संपूर्ण इलाज संभव है, बस समय रहते आप इसको चिकित्सक तक अवश्य लाएं ताकि इसका पूरा इलाज हो सके। और डॉक्टर साहब बड़ों में अगर कौन से लक्षण दिखाई पड़े तो उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए, खासतौर से उस इलाके में जो लोग रहते हैं जहां पे फाइलेरिया ज्यादा फैलता है? देखिए बड़ों में यदि बुखार आता है, किसी तरह के चक्कते पड़ते हैं या शरीर में छोटी छोटी गांठें होती हैं जो लाल रंग की हो जाएं, तो ये लसिका ग्रंथियां होती हैं जिस पर ये परजीवी जिनको नुकसान पहुंचाता है। यदि ऐसे किसी प्रकार कोई लक्षण किसी व्यक्ति में दिखे तो आप अविलंब निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें और चिकित्सक के अनुसार फिर उसकी खून की जांच और बाकी जो उसका इलाज है वो पूरा उपलब्ध कराया जाता है। डॉक्टर साहब क्या इसे संक्रामक रोग भी कह सकते हैं कि एक मच्छर ने एक को काटा दूसरे को काट लिया तो जैसे और मच्छरों के जनित जो बीमारियां फैलती हैं क्या उसी तरह से ये बीमारी फैलती है? बिल्कुल, यदि कोई भी व्यक्ति रोगग्रस्त है और उसको यदि मादा क्यूलेक्स मच्छर काटता है तो वो उससे कीटाणु अपने शरीर में लेता है और जिस भी स्वस्थ व्यक्ति को वो काटेगा तो उसमें भी इसके परजीवी प्रवेश कर जाते हैं जिससे वो व्यक्ति भी रोगग्रस्त हो जाता है। चूंकि इसका समय काफी लंबा होता है, ये 8 महीने से 16 महीने ले सकता है लक्षण उत्पन्न होने के, तो कई बार ये शरीर में बीमारी पनपती रहती है लेकिन व्यक्ति को इसका पता नहीं चलता है। डॉक्टर साहब अगर किसी को बीमारी हो गई है तो उसका इलाज किस तरह से किया जाता है? इसके लिए दवा उपलब्ध है और दवा का नियमित सेवन, इसके जो 12 दिन की खुराक दी जाती है चिकित्सक के सलाह के अनुसार आप लें और इससे आप पूरी तरह से रोग मुक्त हो सकते हैं। तो सब कैसे इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है? सरकार इसके लिए बहुत प्रयासरत है और ये मुफ्त में सभी को घर घर जाकर के ये दवा दी जा रही है। यदि समुदाय के सभी लोग आने वाले कार्यक्रम में जो कि अक्सर नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में चलाया जाता है, यदि सभी लोग इसका दवा का सेवन करें तो एक ही चक्र पर्याप्त है इस रोग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। जी हम चाहेंगे कि एक बार आप फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि वो महीना कौन सा होता है, क्या उसके लिए कोई दिन भी निश्चित है? नहीं, इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं, लेकिन अधिकांशतः यह नवंबर से फरवरी के बीच में चलाया जाता है। गत वर्ष भी दिसंबर फरवरी और मार्च में इसके 3 अलग अलग क्षेत्रों में चक्र में चलाया गया था। किसी भी क्षेत्र में एक ही चक्र पर्याप्त होता है इसका साल में, और यदि उसका सभी व्यक्ति सेवन करें दवा का जैसे बताया जाता है तो इस रोग से पूरी तरह से हम मुक्त हो सकते हैं। डॉक्टर साहब कोई छोटा सा संदेश आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए। हम बस चाहेंगे कि जनता इस कार्यक्रम में पूरी तरह सहयोग करे ताकि हम इस रोग से पूरी तरह से अपने प्रदेश को ही नहीं अपने देश को भी मुक्त कर सकें। तो दर्शकों ये था मिशन हेल्थ का हमारा सजीव फोनिंग कार्यक्रम और अब चलते 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 में आज का प्रश्न आप नोट कर लीजिए। हमारा आज का प्रश्न है, फाइलेरिया से बचाव के लिए साल में एक बार ली जाने वाली दवा स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए। तो प्रश्न हम उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है
प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ कमरा नंबर 205 दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। डॉक्टर साहब आप आए हो हमारे दर्शकों को फाइलेरिया से बचाव और प्रबंधन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों का जिन्होंने हमें फोन किया और जो हमारा कार्यक्रम था।